नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल इलेक्ट्रॉनिक्स फॉर यू पे। दोस्तों, इस वीडियो में हम सर्किट एनालिसिस करने वाले हैं यूजिंग लाप्लास ट्रांसफॉर्म। तो हमारा जो न्यूमेरिकल है वो कुछ इस तरह से है, द सर्किट शोन बिलो कंसिस्ट ऑफ अ सीरीज RL एलिमेंट, द साइन वेव इज अप्लाइड टू द सर्किट व्हेन द स्विच S इज क्लोज्ड एट T इक्वल टू जीरो। तो ये है हमारी S स्विच और एक RL सर्किट दिया है, इसमें अगर हम क्लोज करते हैं तो इसमें से करंट फ्लो होने वाला है, उसे हमें कैलकुलेट करना है। ये जो करंट I ऑफ T है, अब यहाँ पे हमें देखना है कि अगर हमने साइन वेव अप्लाई की है तो हमारा आउटपुट I ऑफ T क्या आने वाला है। तो इसके लिए सबसे पहले तो जैसे हमारी प्रोसीजर है, प्रीवियसली भी हमने सॉल्व किया है, हम करते हैं KVL अप्लाई। तो अप्लाई KVL, अप्लाई KVL टू दिस सर्किट विल गेट, यह है हमारा 10 ओम का रेजिस्टर, तो 10 मल्टीप्लाइड बाय करंट I ऑफ T प्लस इंडक्टर, द करंट फ्लोइंग द वोल्टेज अक्रॉस इंडक्टर हम कैलकुलेट करते हैं L di by dt, L की वैल्यू है 5, तो 5 di by dt इक्वल टू हमारा EMF जो अप्लाई कर रहे हैं वो है एक साइन वोल्टेज जिसकी वैल्यू है 50 साइन 25 t। तो ये हो गया हमारा इक्वेशन जब हम KVL अप्लाई करते हैं। तो इस न्यूमेरिकल को हमें सॉल्व करना है यूजिंग लाप्लास ट्रांसफॉर्म। तो हम यहाँ पे लगाएंगे यहाँ पे लाप्लास ट्रांसफॉर्म, तो अप्लाइंग लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑन बोथ साइड्स वी हैव 10 आई ऑफ टी का लाप्लास ट्रांसफॉर्म हो जाएगा आई ऑफ एस प्लस 5 डी बाई डी टी का लैपलास ट्रांसफॉर्म होता है एस इंटू आई ऑफ एस माइनस आई ऑफ जीरो, जिसमें आई ऑफ जीरो जो है वो इनिशियल करंट रहता है फ्लोइंग थ्रू द इंडक्टर, और 50 साइन 25 टी, तो साइन 80 का जो लैपलास ट्रांसफॉर्म होता है वो होता है ए। अब यहाँ पे साइन 25 टी है तो ए अपॉन ए यानी 25 अपॉन एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, तो एस स्क्वायर आएगा और ए स्क्वायर यानी 25 का स्क्वायर, तो ये 25 का स्क्वायर। तो हमारा लाप्लास ट्रांसफॉर्म 50 साइन 25 टी के लिए हो जाता है 50 डिवाइडेड बाय एस स्क्वायर प्लस 25 स्क्वायर। अब इसको हम सिंप्लीफाई करते हैं, पर उससे पहले आई ऑफ जीरो हमें कैलकुलेट करना है। तो आई ऑफ जीरो है इनिशियल करंट। अब इनिशियल करंट की जो वैल्यू है हम अप्लाई कर रहे हैं यहाँ पे साइन वेव। साइन वेव जब हम अप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा सडन चेंज इन करंट। तो सडन चेंज इन करंट इंडक्टर अपोज करता है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, हम लिख सकते हैं कि इंडक्टर डज नॉट अलाउ चेंज इन करंट। देयरफोर आई ऑफ जीरो इक्वल टू जीरो फॉर टी इज इक्वल टू जीरो। जब टाइम जीरो रहेगा यानी जैसे ही हमने स्विच क्लोज कर दिया तो सडन चेंज इन जो करंट रहेगा उसको हमारा इंडक्टर अपोज करेगा, इसीलिए आई ऑफ जीरो की वैल्यू यहाँ पे जीरो हो जाती है। तो जो हमारा इक्वेशन है वो चेंज होके हमें मिलेगा 10 आई ऑफ एस प्लस 5 एस आई ऑफ एस इक्वल टू 50 इंटू 25 हो जाता है 1250
डिवाइडेड बाय एस स्क्वायर प्लस 625। इसको अगर हम सिंप्लीफाई करेंगे तो यहाँ पे हमें मिलता है 10 ये होता है 10 + 5s इक्वल टू 1250 डिवाइडेड बाय एस स्क्वायर प्लस 625। अब इसी को अगर हम सिंप्लीफाई करेंगे तो IS इक्वल टू 1250, इसमें से अगर हम इसको राइट हैंड साइड पे भेजेंगे और 5 कॉमन निकालेंगे तो हमें मिलता है 5s + 2 और ये है s + 625। अगर इसको हम सिंप्लीफाई करते हैं तो हमें मिलेगा यहाँ पे IS इक्वल टू हमारा जो इक्वेशन है वो हो जाता है 250 डिवाइडेड बाय हमारा इक्वेशन था एस, ये अगर इसको हम डिवाइड करते हैं तो ये हो जाता है 250 डिवाइडेड बाय s + 2 मल्टीप्लाइड बाय s² + 625। अब हमें इसे सॉल्व करना है पार्शियल फ्रैक्शन यूज करके, तो पार्शियल फ्रैक्शन यूज करने के लिए हम इसको कुछ इस तरह से अरेंज करेंगे जिसमें ये हो जाता है 250 अपॉन s + 2 और s² + 625 यानी s² + 25 स्क्वायर था एक्चुअली, तो इसको हम लिख सकते हैं s + j25 और s - j25 के टर्म में, और इसको हम इक्वेशन 1 कंसिडर कर सकते हैं और पार्शियल फ्रैक्शन के लिए हम इसको लिखेंगे IS = a / s + 2 + b / s + j25 प्लस लेट द थर्ड कॉन्स्टेंट इज c / s - j25। यहाँ पे हमें यूज करना है पार्शियल फ्रैक्शन टू फाइंड द वैल्यू ऑफ ए बी सी। तो सबसे पहले ए, वेयर ए इज इक्वल्स टू इसका जो कोई पेशेंट रहेगा साथ में ये रहेगा s + 2 × IS की ये जो वैल्यू है हम पुट करेंगे फॉर s = -2। अब ए की वैल्यू है s + 2 और s + 2 ये जो टर्म है इक्वेशन 1 और हमारा ये ए की वैल्यू हम जब फाइंड कर रहे हैं तो ये कैंसिल हो जाता है और हमें मिलता है 250 डिवाइडेड बाय एक्चुअली ये है s + j25 s - j25 फॉर s = -2। अगर s = -2 हम पुट करते हैं और इसको सिंप्लीफाई करते हैं तो हमें वैल्यू मिलती है a = 0.397। ये हो गया ए। अब सिमिलरली हमें बी और सी की वैल्यू फाइंड करनी है, तो बी इक्वल टू क्या होता है, बी के साथ है s + j25 × IS फॉर s = ये अगर हम राइट हैंड साइड पे भेज देंगे तो s = -j25। अब
यहाँ पे आई ऑफ एस की वैल्यू हम ये फिर से पुट करेंगे और इसको सॉल्व करते हैं तो हमें मिलता है 250 डिवाइडेड बाय एस प्लस 2 और सेकंड ब्रैकेट में आएगा एस माइनस J25। ये टर्म और एस प्लस J25 यहाँ पे कैंसिल हो जाएगी और एस इज इक्वल्स टू माइनस J25। अगर एस इक्वल टू माइनस J25 हम यहाँ पे पुट करते हैं तो ये हो जाता है माइनस J50 और ये हो जाएगा 2 माइनस J25। और इसको अगर हम सिंप्लीफाई करते हैं तो हमें मिलती है बी की वैल्यू, बी इज इक्वल्स टू माइनस 5 अपॉन 25 माइनस J2। ये है हमारी बी की वैल्यू। अब सिमिलरली हमें सी फाइंड करना है तो सी की वैल्यू होती है सी इज इक्वल्स टू, अब सी के साथ है एस माइनस J25, तो एस माइनस J25 आई ऑफ एस फॉर एस इक्वल्स टू J25। अब ये आपको सॉल्व करके देखना है कि सी की वैल्यू कितनी आती है। हमने इसे सॉल्व किया तो हमें सी की जो वैल्यू है वो मिलती है माइनस 5 डिवाइडेड बाय 25 माइनस J2। अब अगर आप इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो हो सकता है आपको सिंप्लीफिकेशन के बाद वैल्यू मिले 5 डिवाइडेड बाय माइनस 25 प्लस J2। इसमें से अगर हम माइनस साइन कॉमन निकालते हैं तो हमारी जो सी की वैल्यू है वो हो जाती है माइनस 5 डिवाइडेड बाय 25 माइनस J2। हमने सिर्फ इसे रीअरेंज करा है। आप भी इसे रीअरेंज करके चेक कर सकते हैं कि आपकी वैल्यू माइनस 5 अपॉन 25 माइनस J25 आती है या नहीं। अगर हम वो वैल्यू हमारे इक्वेशन 1 में सब्स्टिट्यूट कर देते हैं, सॉरी ये है हमारा इक्वेशन 2, हम बोल सकते हैं कि हमने अगर ए बी सी की वैल्यू हमारे इक्वेशन नंबर 2 में सब्स्टिट्यूट कर दी है तो हमें आई ऑफ एस की जो टर्म है वो मिलेगी कुछ इस तरह से, जिसमें आई ऑफ एस इज इक्वल्स टू है 0.397 एस प्लस 2 माइनस 5 डिवाइडेड बाय 25 प्लस J2 एस प्लस J25 माइनस 5। ये हमने अभी सॉल्व किया है और यस माइनस J25। तो ये है हमारा आई ऑफ एस का इक्वेशन, पर हमें फाइंड करना है आई ऑफ टी। तो यहाँ पे हमें क्या करना पड़ेगा, बाय टेकिंग इनवर्स ट्रांसफॉर्म। तो यहाँ पे हमें इनवर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म यूज करना है, बाय टेकिंग इनवर्स ट्रांसफॉर्म अगर हम लेते हैं तो हमें आई ऑफ टी की वैल्यू मिलती है। अब आई ऑफ टी की वैल्यू क्या रहेगी, ये है 0.397 और एस प्लस 2 के लिए हो जाता है ई रेस टू पावर माइनस 2t। ये हो गया इस टर्म के लिए। सेकंड टर्म है माइनस 5 अपॉन कांस्टेंट है 25 प्लस J2 और एस के साथ जो टर्म है उसका लाप्लास ट्रांसफॉर्म हो जाता है ई रेस टू पावर, इसका अपोजिट साइन, ये प्लस है तो यहाँ पे माइनस J25 हो जाएगा और टी के साथ। सिमिलरली माइनस 5 अपॉन ये है 25 माइनस J2 कांस्टेंट और एस 1 अपॉन एस माइनस J25 का लाप्लास ट्रांसफॉर्म इनवर्स लाप्लास हो जाता है ई रेस टू पावर, ये हो जाएगा माइनस का प्लस J25t। तो हमारे आई ऑफ टी की आखिरी जो वैल्यू है वो हमें मिलती है ये। इस तरह से हम इनवर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म यूज़ करके आई ऑफ टी की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। थैंक यू।